इंस्पेक्टर करण, ये क्या हो गया तुम्हें? एसपी साहिबा, इस इलाके से मेरा ट्रांसफर करा दीजिए। अचानक ट्रांसफर? ये चोटें कैसी लगी तुम्हें? किसने मारा? और कौन हो सकता है, विश्वंभर प्रसाद का बेटा चरण राज। मगर क्यों? क्योंकि मैंने डीएसपी खन्ना और विश्वंभर प्रसाद के खिलाफ आपको बताया था, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। साहब, इस इलाके से मेरा ट्रांसफर करा दीजिए। इंस्पेक्टर करण, अगर हम वर्दी वाले ऐसे गुंडों से घबराकर अपना ट्रांसफर करवाने लगे तो ऐसे बेईमान लोगों का हौसला और बढ़ जाएगा। ये खाकी वर्दी पहनने के सिर्फ दो ही मतलब हैं, या तो जुल्म को खाक में मिला दो या शहीद होकर खुद खाक में मिल जाओ। इस वक्त चरणराज कहां होगा? साले, पुलिस वालों पर हाथ उठाता है? अरे छोकरी, किस पर हाथ उठा रही है तू? जिसके बाप के एक टेलीफोन पर जेल के दरवाजे खुल जाते हैं और एक इशारे पर अदालत के फैसले बदल जाते हैं। तेरे बाप के टेलीफोन पर खुलने वाले दरवाजे जेल के नहीं, कोठों के होंगे। तेरे बाप के इशारों पर अदालतों के फैसले नहीं, तवायफों की अदाएं बदलती होंगी। मैं तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अयो, बहुत जोर जोर से मारा जी। एसपी, बहुत सॉलिड जी। यार, एक बात बोलो। हाँ बोल। बहुत मारा जी, जोर जोर से मारा जी, वो शेरनी जी। उस शेरनी को अगर बकरी नहीं बनाया तो मेरा नाम चरण राज नहीं। हमसे टक्कर लेने का नतीजा, आइंदा अगर ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो समझ गई ना? नम्रता, ये क्या हो गया? कुछ नहीं भाभी, जरा सी चोट लगी है। आप कैसी हैं? अच्छी हूँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम अच्छी हो। इतनी जल्दी मुझे कुछ नहीं होगा, अभी तो हम सबको मिलकर अपने हिसाब का हिसाब करना है। वाह 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 वाह,
मुबारक हो। अस्पताल की खाट बहुत बहुत मुबारक हो। एसपी साहिबा, समुंदर में जो लहरें उठती है ना, वो भी बहुत शक्तिशाली होती है, आसमान से बातें करती हैं, लेकिन जब वही साहिल पे आकर किसी पत्थर से टकराती है तो बिखर जाती है। इसलिए अगर हम जैसे नेताओं से हिसाब करोगी ना, तो जिंदगी भर इसी तरह बिस्तर पर पड़ी रहोगी। हाँ और फिर ये तो सिर्फ एक मामूली ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो अभी आपको देखनी है। जय राम जी की। जैसे सिर फिरे पुलिस वालों के साथ पंगा लोगे तो जिंदगी भर के लिए बिस्तर पर ही पड़े रह जाओगे। चलो उठ। ये तो एक मामूली सा ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी तूने देखी कहां है? क्यों, ठीक है ही ना? क्या बात है? आपको मुबारकबाद देने आई हूं। किस चीज की मुबारकबाद? आपके कारनामों का पर्दाफाश हो गया है, सरकार ने आपके इलेक्शन को अनवैलिड कर दिया है। क्या आप बकवास कर रही हो? अब नए सिरे से फिर से बाय इलेक्शन होगा। हाँ, और ये भी सुना था कि एसपी नम्रता सिंह आपके विरुद्ध दत्ता बाबू की धर्म पत्नी को खड़ा करने वाली थी, मगर फॉर्म भरने कोई आया नहीं अभी तक। बिशंबर जी के सामने खड़े होकर किसी को अपनी जिंदगी जब्त करानी है? यही है मिसेज दत्ता बाबू। एक तरफ अपनी मांग सजाती है और दूसरी तरफ अपने पति के खिलाफ जाती है। दत्ता बाबू की पत्नी का साथ देने निकली है तू? नहीं, सच्चाई का साथ देने। सच्चाई को मरे एक जमाना हो गया है। दत्ता बाबू की चिता के साथ सच्चाई की हर आवाज चल चुकी है। सच्चाई कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं तो कहती हूँ आप भी उन बुरे लोगों का साथ छोड़ दीजिए। वाह, अभी घर की दहलीज के बाहर कदम निकाला नहीं और हमें सलाह देना शुरू कर दी। हाँ? हाँ? बहुत हिम्मत आ गई है तुझ में। हाँ? नहीं। तुम? हाँ मैं। पत्नी पर ऐसा अत्याचार करना जुर्म है। पति और पत्नी के बीच में बोलने वाली तुम होती कौन हो? कानून
और कानूनी तौर पर दफा 321 के तहत मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकती हूँ। नम्रता, चिल्लाओ मत। आज के बाद अगर तुमने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारा वो अंजाम करूंगी कि दुनिया के किसी भी पुलिस ऑफिसर ने किसी के साथ न किया होगा। और सुनो, औरत की जब हाई लगती है ना तो एक जन्म तो क्या, 7 जन्म बिगाड़ देती है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इस बार इलेक्शन में जीतना बहुत जरूरी है। अगर कहीं दत्ता बाबू की धर्म पत्नी इस इलेक्शन में जीत गई तो हमारे लिए ये बड़ी शर्म की बात होगी। चिंता मत कीजिए डैड, इलेक्शन आप ही जीतेंगे। प्यार से हुआ तो ठीक, नहीं तो गुंडागर्दी से होगा। नहीं, इस बार कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एसपी नम्रता सिंह ने पूरे फोर्स का बंदोबस्त किया है और फिर खुद कमिश्नर ने ऑर्डर दिया है कि इस इलेक्शन में कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चिंता मत करो डीएसपी, अगर पुलिस के पास अपनी फोर्स है तो हमारे पास भी अपनी फोर्स है। उस लिस्ट में होगा नम्रता सिंह। हाँ, दिसंबर की बेईमानी नहीं चलेगी। पिछले इलेक्शन एसपी नम्रता, दिल्ली तो कई जिलों में बहुत स्ट्रांग है। सब ठीक है ना? जी हाँ। कोई गड़बड़ तो नहीं? जी नहीं। गुड। क्या बात है? फोड़ देना है। अबे चल, फोड़ तो देना। चल यहाँ से, चल चल यहाँ से। वोट देना है। क्या चाहिए? वोट तो देने दीजिए। अरे चल, वोट हम डाल देंगे। चल ये क्या हो रहा है? यहाँ ऐसा ही होगा, तुझे क्या? चल देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? इलेक्शन हो रहा है भाई, मैं अभी जाके कंप्लेन कर दूंगा। किसको कंप्लेन करेगा? चल। सब ठीक चल रहा है ना? हाँ जी। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं? अच्छी हूँ। सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ, मेम साहब कोई प्रॉब्लम नहीं? वहाँ सब गड़बड़ हो रहा है। क्या बात है? कांकुरली बूथ पर बिशंबर प्रसाद का बेटा कुछ गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, आप ध्यान से आइए, चलो मेरे साथ। खबर मिली कि विश्वंबर प्रसाद के बेटे ने यहाँ कुछ हेरा फेरी की। नहीं मैडम, यहाँ तो कोई आया ही नहीं। Are you sure? Yes. नहीं, वो यहीं पे था और बैलेट पेपर पे ठप्पे लगा रहा था। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है, तो वो कहाँ गया होगा? सब ठीक है ना डैड? इधर तो सब ठीक है बेटे, लेकिन सुना है जस नगर के एरिया में शारदा देवी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूंगा।